हेलो एवरीवन वेलकम बैक ऑन इंग्लैंड जोन चैनल एंड हियर वी आर विद अ न्यू वीडियो रिलेटेड टू जॉन गर्ल्स वर्दी जॉन गर्ल्स वर्दी को एज अ प्ले राइट एंड नॉवलिस्ट आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनकी लाइफ एंड लिटरेरी करियर से रिलेटेड जो कि आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस ऑनलाइन क्लास में एंड ये इम्पोर्टेंट क्लास आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो यू इंग्लिश से एग्जाम देने वाले हैं एग्जाम्स में जिसमें एज अ जॉन यादर एग्जाम मॉडर्न प्ले नॉवलिस्ट पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट एमसी या इम्पोर्टेंट वन लाइन इम्पोर्टेंट वन लाइन की फैक्ट्स आप सभी के सामने है चलिए हम स्टार्ट करते हैं की फैक्ट्स को जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनके बारे में बात करेंगे वो आप सभी को मैक्सिमम ओरली याद होंगे और कुछ ऐसे हैं जो कि आपको तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश प्ले राइट एंड नॉवलिस्ट बॉर्न इन सरे इन इंग्लैंड इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था और ये इंग्लिश प्ले राइट ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके लाइफ से रिलेटेड इनकी लिटरेरी करियर से रिलेटेड है आगे हम बात करते हैं ही वॉज एजुकेटेड इन

लॉ बेस्ड फैमिली थी कि जिन पे सभी उनके फादर जो उनके फैमिली मेंबर्स थे वो लॉ फर्म एक चलाते थे और इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से बट ही वाज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन लॉ टाइप करियर टू बी फॉलोड फॉर हिज पैशन बट हिज पैशन वाज समथिंग एल्स दैट इज राइटिंग तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कॉल्स की एज अ नॉवेलिस्ट एज ए प्ले राइट उन वो क्यों कैसे किस तरीके से प्ले राइट बनते हैं या किस तरीके से उनका जो करियर होता है वो इस तरफ आ, मुड़ता है वो मिलने के बाद किससे मिलता है जोसेफ कॉन्ड्राइड से मिलने की बात होता है और जोसेफ कॉन्ड को आप सभी जानते हो जोसेफ कॉन्ड ने हार्ट ऑफ डार्कनेस लॉर्ड जिम दीक्रेट ऑफ एजेंट एंड अंडस्टर्नाइज ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ग्स लिखे हुए हैं और ये पोलिश राइटर थे पोलिश इंग्लिश राइटर नेक्स्ट वी हैव हियर अबाउट फ्रॉम दिन लिखा है एंड नोवेल लिखा है जो सिलीन नॉवेल इनका है जो कि 1898 में पब्लिश हुआ है किस नेम से लिखा है सॉन जॉन के नेम से लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनकी लाइफ से रिलेटेड इनका पेन नेम जो है ये अपने स्टार्टिंग जो वर्क लिखा हुआ है जॉन गर्ल्स वर्दी के नेम से नहीं लिखा हुआ है बट वो जॉन जॉन के नेम से लिखा हुआ है आगे हम बात करेंगे किस वर्क में उन्होंने के नेम से लिखा हुआ है फर्स्ट बुक अपियर अंडर हिज ओन नेम ये था कि अपने नेम के अंदर में ये वर्क लिखा है उन्होंने जिसमें उन्होंने जॉन सें जॉन को छोड़ करके जॉन गर्ल्स वर्दी जो उनका रियल नेम था इस नेम से इस वर्क को पब्लिश करा था तो अगर हम बात करते हैं न, 1897 से लेकर के 1904 तक के जितने भी वर्क्स उन्होंने लिखे हैं उससे पहले के बिटवीन 1897 टू एंड 18, 1904 बिटवीन दिस दीस टाइम्स ही हैड रिटन मेनी वर्क्स एंड दैट रिटन अंडर हिज पेन नेम जॉन सिन जॉन एंड आइलैंड फरेसिस वाज द फर्स्ट बुक व्हिच वाज नेमड एज़

सबसे इम्पोर्टेंट वर्क से रिलेटेड जो कि जॉन गार्ल्स ने लिखा है जो कि नॉवल एज अलिस्ट जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर को उसमें हमने ये बात करी है आगे इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं ही वॉज द सन ऑफ अ वेल्दी लंडन सॉलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ओनर जैसा हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में ही रिलेटेड टू दी लॉ फी या लॉ सॉलिस हैड एंड उनके फादर के बारे में बात करते हो तो एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे जॉन गार्ल्स वर्दी जिनके फादर एक वेल्दी लंडन सॉलिसिटर थे प्रॉपर्टी ओनर थे और ही वॉज कॉल्ड टू द बार इन एटीन नाइनटी बट ने प्रैक्टिस यहाँ क्या था कि उनका जो एक लोग बोलते हैं ना कि आपको फैमिली का एक जमा जमाया बिजनेस अगर मिल जाता है तो जनरली जो आगे आने वाली जनरेशन होती है उसी को फॉलो करती है तो यहाँ पे एक वेल टू डी फैमिली से बिलोंग करने के साथ साथ एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन इनके सामने अवेलेबल था एज अ लॉयर एज एज अ लीगल एडवाइजर अपनी फैमिली को हेल्प करने का साथ ही साथ अपनी फैमिली के फर्म को आगे रन करने का बट ही नेवर प्रैक्टिस लॉ ही नेवर गॉन टू दैट प्रोफेशन ड्यूरिंग 1891 हंड्रेड एंड नाइन्टी वन टू नाइनटीन थ्री ही वेंट ऑन अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड कहाँ पे एटीन नाइन्टी वन से नाइनटीन थ्री के मिड में वो कहाँ जाते हैं ट्रिप करते हैं वर्ल्ड का और दुनिया देखना चाहते हैं एज अ राइटर और वहीं पे इनकी मुलाकात होती है वो जोसेफ कॉनरेड से होती है जो कि हमने अभी आगे बात की थी जिन्होंने लॉर्ड जेम एंड हार्ट ऑफ डॉक्टनेस जैसे इंपॉर्टेंट वर्क्स को लिखा है नॉवेल्स को लिखा है चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं ही विगैन हिज करियर एज अ राइटर इन 1895 1895 में इन्होंने अपना करियर जो था वो फुल टाइम एज अ राइटर स्टार्ट किया अपने प्रोफेशनल लॉस एक प्रोफेशनल रॉ एडवाइजर होने के बावजूद भी लीगल एडवाइजर होने के बावजूद भी एक लॉयर होने के बावजूद भी इन्होंने जो प्रैक्टिस करी वो राइटिंग की तरफ करी और एज अ राइटर एज अ अस्ट एज अ प्ले राइट एज शॉर्ट स्टोरी राइटर ही वॉज वेरी फेमस विद कलीग जॉर्ज बेनोड शाह आगे हम बात करते हैं इनके लाइफ से रिलेटेड इन 1905 ही मैरिड ऑफ हिस कजन आर्थर गॉल्स पढ़ दी तो यहाँ पे इनकी शादी जो होती है इनके जो वाइफ होती हैं इनके कजन की वाइफ होती हैं

एक पॉइंटर के एक इक्की पॉइंट्स के वे में हमने आपसे डिस्कस करा है तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनकी लाइफ इनकी लिटरेरी करियर से रिलेटेड नेक्स्ट वी हैव इन 1921 ही वाज इलेक्टेड एट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लेट सेक्शन ऑफ पेन क्लब एंड इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पोएट्स ये पेन क्लब जो था वो एक इंटरनेशनल बॉडी था जिसमें पोएट्स का उसके ये फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे इलेक्ट किए गए थे 1900 21 वाज़ द ईयर जब इनको वो अपॉइंटमेंट दी गई और इन्होंने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पेट उसका जो एक फर्स्ट ट्रायोलॉजिकल वर्क था ट्रायोलॉजी मीन थ्री जो वर्क कलेक्शन ऑफ वर्क होते हैं उसके बारे में बात होती है ट्रायोलॉजी उसको बोला जाता है और फॉरसाइड सागा वॉज द फर्स्ट ऑफ

जो इंग्लिश लिटरेचर में रिगार्ड किया जाता है इनके लिटरेरी करियर में इनकी इंग्लिश लिटरेचर को जो कंट्रीब्यूशन थी उसमें पर रिगार्ड किया जाता है आगे है ही यूज्ड है टू राइट फिक्शंस इन द मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून ये कहा जाता है जॉन गॉल्सवर्दी के रिलेटिव क्योंकि दोनों में इनका जो ब्रिलियंस था दैट इज वेरी हाई दैट इज वेरी स्किल्ड राइटर ही वो और कहा जाता है कि जो नॉवल्स होते थे वो ये मॉर्निंग में लिखा करते थे और ड्राम अगर हम उसकी बात करते हैं तो जैसे हमने सिल्वर स्पून सिल्वर बॉक्स जस्टिस स्ट्राइक लॉयल्टीज ये सब की बात की है एंड स्किन गेम ये इनके इम्पॉर्टेंट ड्रामाज हैं जो लिखा है और साथ ही साथ नॉवल्स की बात करते हैं तो फॉरसाइड्स आगा है इस और साथ ही साथ इसमें uh, जो इनके टूलेट ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि नॉवल की कैटेगरी में काउंट होते हैं तो नॉवल को मैक्सिमम ये मॉर्निंग में लिखा करते थे नॉवेल्स को और ड्रामास का जो टाइम होता था वो आफ्टरनून का होता था नेक्स्ट वी हैव इट वाज हिज हैबिट टू टर्न एन ओल्ड नॉवेल इनटू अ न्यू ड्रामा ये कहा जाता है कि इनका जो हैबिट था वो ओल्ड ड्रामा नॉवेल को एक न्यू ड्रामा में लिखने का था ओल्ड जो नॉवेल्स हुआ करते थे नेक्स्ट वी हैव आयल फ्री एपेयर पिजन जिसमें हम बात कर रहे थे अभी कि उन्होंने इनकी जो हैबिट थी एक है कि ओल्ड नॉवेल्स को नए ड्रामा के फॉर्म में उसको एक तरीके से रिराइट करना उसको एक तरीके से पब्लिश करना एक तरीके से उसको यूनिक वे में प्रेजेंट करना ड्रामा के फॉर्म में जो कि नॉवेल उन्होंने लिखा हुआ है तो उसका एग्जाम्पल हमारे सामने है आयल एंड जो कि नाइनटीन में इन्होंने लिखा हुआ है वो द प्रिजन ड्रामा के फॉर्म में ये प्रिजन जो है इनका ये ड्रामा है इसके फॉर्म में वो न्यू फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ है उसको और ये री हुआ है एज अ ड्रामा आगे है गॉल्सवर्दी एक्सप्रेस एवरी ग्रुपिंग ऑफ हिज ऑफ लाइफ हैज इट्स इनहेरेंट मोरल एंड द बिजनेस ऑफ द ड्रामेटिस इज टू ब्रिंग द मोरल पॉइग्नेंटली टू द लाइट ऑफ द डे ये जो है ये गॉल्सवर्दी का एक्सप्रेशन है उनका थॉट है कि सबसे स्पेसिफिकली जो हम बात करते हैं गोल्स वर्दी को एज अ राइटर एज अ प्ले राइट अगर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो आप देखोगे उनके जो ड्रामास हैं वो आप एक सोशल इश्यू पे बेस्ड ऑन ड्रामा को लिखा हुआ है चाहे वो आप स्किन गेम की बात कर लो आप सिल्वर सिल्वर बॉक्स की बात कर लो या आप स्ट्राइफ लॉयलिटीज एंड जस्टिस ये सभी जो नॉवेल्स हैं ये किसी न किसी सोशल इशू पे बेस्ड ऑन जैसे लीगल जो इश्यूज़ हैं या एक तरीके से आपका लेबर इशू है जो लेबर जो एक्सप्लाइटेशन है उसका जो इशू है एंड कैपिटलिस्ट का जो एक ओवरटेक करते हैं या कैपिटलिस्ट जो करते हैं लेबर्स को उसके बारे में इन्होंने बात की है ये सेंचुरी की आफ्टर जो एक मेजर प्रॉब्लम थी ये इन्होंने अपने ड्रामाज में डिस्कस किया हुआ है और साथ ही साथ नॉवेल्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉवेल्स में इन्होंने फॉरसाइट में जो मिडिल क्लास विक्टोरियन एरा का एक तरीके से कंफ्लिक्शन था एक तरीके से जो इनका आप बात कर लो उनकी जो या uh, आप yeah, बात करो उनका जो शो ऑफ था स्टाइल ऑफ लिविंग था उसके बारे में उन्होंने अपने फॉरसाइट सागा के थ्रू बात करी है नेक्स्ट वी हैव ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर द सीरीज़ ऑफ इज थ्री नॉवेल्स दू द फॉरसाइट सागा इट्स

किस तरीके से जो है उसके को किस तरीके से करता है, वो बात बताई गई है इस ड्रामा के थ्रू जो कि हम स्ट्राइफ के फॉर्म में स्ट्राइफ बुक फॉर्म में हम पढ़ते हैं 1909 का वर्क है तो बेसिकली आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो कि बर्निंग इश्यूज थे एट द टाइम ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज़ ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा वो इन्होंने बहुत ही ब्रिलियंस के साथ में बहुत ही स्किल वे में बहुत ही एक मास्टर वे में प्रेजेंट करा है अपने नॉवेल्स में आगे हम बात करते हैं जस्टिस जस्टिस के बारे में अब हम बात कर लेते हैं दिस इज द प्ले अगेन 19 का ये है, के बारे में जैसे जो लॉ है जो एक हम बात करते हैं न्यायालय की बात करते हैं तो उसमें किस तरीके से उसको पॉट्रे किया हुआ है रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में इसको लिखा हुआ है तो इनके जो अभी तक के सिल्वर वॉक्स ट्राइव जस्टिस के बारे में हमने जो बात की इसमें आप एक रियलिस्टिक ट्वेंटी सेंचुरी का अप्रोच देखोगे इनके ड्रामास में नेक्स्ट वन वी हैव लॉयलिटीज 1910 में अगेन ये लिखा गया है डीलिंग विद एंटी सेमिटिज्म हेट्रेड ऑफ ज्यूस पीपल ज्यूस पीपल के लिए जो हेट्रेड है, है उसके बारे में लॉयलिटीज में बात की गई है जो लोग को बहुत ही एक डाउन किया जाता था उनको बहुत ही एक हेट्रेड के अप्रोच के साथ में हेट्रेड वे के साथ में ट्रीट किया जाता था तो लॉयल्टीज के थ्रू उन्होंने इस बारे में भी बात की है जो कास्टिसिज्म या जो एक हेट्रेड प्रिवेल्ड है सोसाइटी में उसको भी उन्होंने एक तरीके से कही न कहीं ना कहीं अप किया हुआ है एक तरीके से फोकस करा हुआ है

ये लिखा हुआ है नॉवेल उसी सेम फैमिली का जो कि उसके अगेंस्ट होती है हीरो के अगेंस्ट आगे है कॉल्सफोर दी एक्सप्रेस एक्सप्रेस टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देम ये है कि सबसे पहले आपको अगर आप कोई वर्क लिख रहे हो या ड्रामा लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर और उसके एक्शन के बारे में ध्यान देना होगा अगर आप ये चीज ध्यान देते हो तो डायलॉग जो होगा उन सबको एक तरीके से बांधे रखेगा एक तरीके से उनमें जो होगा एक जो कॉन्टीन्यूटी होती है या इंदुआजिज्म होता है एक्टिविज्म होता है उसको वो बनाए रखेगा थ्रू आउट द नावेल जो एक बाधे रखता है बाइंड करता है जो कि स्पेक्टेटर्स को या जो वॉच कर रहे होते हैं ड्रामा तो यहाँ पे अपने उन्होंने व्यूज दिए हुए हैं कि ड्रामा को किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना चाहिए आगे है इन वन ऑफ हिज ही दिस प्ले इज अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन हर्ड इन इट्स एचिट्यूड टूवर्ड्स एंड ऑफ एंड लोअर्ड पॉइंटेड तो ये प्रीफेस में उन्होंने डिक्लेयर करा हुआ है सो so, ये बात उन्होंने जो डिक्लेयर करी है ये जो बात जिस प्ले के बारे में बात की है वो है जस्टिस प्ले के बारे में लिखा है ये कोटेशन जो है ये जस्टिस प्ले से लिया गया है गोल्सवर्दी की और गोल्सवर्दी ने इसमें बात करी है दिस प्ले इज अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन हर्ड इन इट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स एन ऑफेंडर हेड्स करियर हिट अचीवमेंट यू कैन से ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉज कन्फर्ड ऑन हिमर ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको नवाजा गया है नाइनटीन ट्वेंटी नाइन डिलीट वॉज कन्फर्ड ऑन हिम बाई कैम्ब्रिज एंड शेफर्ड यूनिवर्सिटीज एंड ऑल्सो वी हैव नाइनटीन थर्टी टू जिसके जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको जरूर याद करना है आपको ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर ही डोनेटेड हिज राशि थी वो डोनेट कर दी थी जो कि उनको मिला था नोबेल प्राइज के फॉर्म में जो इनको उसके प्राइज का जो अवार्ड मिला था और जो प्राइज मनी मिली थी उसको इन्होंने वो यहाँ पे डोनेट कर दिया था उसके बेनिफिट्स के लिए पेन के बेनिफिट्स के लिए नेक्स्ट वन आल्सो वी हैव द गॉल्सवर्दी डाइड ऑफ अ स्ट्रोक एट हिज होम इन लंडन ग्रोव लॉज ये इनका जो लास्ट टाइम था जॉन गॉल्सवर्दी का वो था कि इनकी जो डेथ हुई थी वो लंदन में हुई थी इनके घर घर में हुई थी नाइन आ, ग्रोव लॉज में और जो टाइम था वो 1933 का था जस्ट आफ्टर रिसीविंग द

अलॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश लिटरेचर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास आई होप यू एंजॉयट दिस क्लास प्लीज रिवर्स करके एक बार जरूर वॉचआउट कर लीजिए इसको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके लिटरे करियर इनकी लाइफ से रिलेटेड इसको नोट डाउन कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे वो इनके इम्पोर्टेंट प्ले के बारे में बात करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग